वो गिर गए, गिर गए, गिर गए, गिर गए, बच गए, बच गए। तो ये लकड़ी वो गिर गई, कुछ हाथ ना लगाओ, हाथ ना लगाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। तो अभी मैं जो अपना आपने मेरा कल वाला व्लॉग देखा है या इससे पिछला व्लॉग जो भी है, जब भी मैंने डाला मुझे अभी नहीं पता मेरा कब डालूंगा ये व्लॉग। तो ये व्लॉग जो मैं अभी एडिट करके आता हूँ और अभी ये रेंडर हो रहा है, तो अभी ये रेंडर होगा फिर इसे मैं अपलोड कर दूंगा। तो मैंने आपको एक बात बतानी थी, तो ये मैंने ड्रोन लिया था तो इसकी जो बैटरीज है वो खराब हो गई है। तो इसके मैंने तकरीबन 4 बैटरीज ली थी, तो जिनमें से एक तो पहले खराब हो गई थी वो मेरी फनकारी की वजह से खराब हुई थी, तो दूसरी जो 3 बैटरियां हैं वो पता नहीं क्यों चार्ज ही नहीं हो रही, क्या मसला बना है, क्या नेम इशू बना है, ये समझ नहीं आ रही कि इसका चार्जर खराब है कि ये बैटरीज खराब हो गई हैं। तो ये अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा था कि इतने दिनों से ड्रोन उड़ाया नहीं है तो थोड़ा सा ड्रोन उड़ाते हैं और बैटरीज वगैरह चार्ज हो जाएंगी, थोड़ा सा ड्रोन भी चल जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा काम। लेकिन वो बैटरीज मैंने काफी मरतबा ट्राई कर लिया है, बहुत ज्यादा ट्राई किया है, तो वो बैटरीज अभी चार्ज बिल्कुल भी नहीं हो रही। और ये मैंने अपना मोबाइल है, ये मेरा पुराना मोबाइल, तो ये मैंने उठाया था तो क्यों पहला है, ये मेरा यूनिवर्सिटी के दौर में मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ, तो ये बैटरी इसकी भी डाउन थी तो मैंने चार्ज किया और ये चार्ज हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन इसकी जो ये टच स्क्रीन आपको टूटा हुआ नजर आ रहा होगा, तो बीच में इसकी जो स्क्रीन है वो मिसिंग करती है, यहाँ से कहीं से मिसिंग करती है तो वो खराब हो रहा है, तो ये पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने सोचा था कि इसके अंदर अपनी एक सिम वगैरह डाल के इसे यूज करूंगा और इस मोबाइल के अंदर एक मेमोरी कार्ड डालूंगा ताकि जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो मेरी थोड़ी सी ठीक हो। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे जो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इसे साथ रखना पड़ेगा अपने, तो वो सोचेंगे देखेंगे। तो वैसे ये चल रहा है, एक जो टच की एक साइड है वो काम नहीं करी, बाकी दूसरी साइड है वो बिल्कुल ठीक काम करी है, तो इसका कोई इस्तेमाल में इसे लाएंगे। अभी ऐसा है कि मैं कमरे में बैठा था तो कमरे में काफ़ी ज़्यादा सुकून था, तो जब से मैं बाहर निकला हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड फिर पड़ गई है, तो घर बैठे बैठे दिमाग खराब हो जाता है, तो थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं आसपास क्या हो रहा है। बच्चे तो यहाँ पे अब कोई खेलते नहीं है, नहीं तो बजाओ के साथ खेल लेता है। उस्मान कितना ठीक है, मेरी जो ये वाली बाइक है तो काफ़ी दिन हो गए तो इस तरह गंदी पड़ी है, कभी साफ ही नहीं की मैंने, और इसका भी ये बुरा हाल हो गया तो ये भी स्टार्ट नहीं की, तो बैटरी भी इसकी मैंने बताया होगा पिछले ब्लॉग में कि ड्रेन हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल खराब चल रही है अभी फिलहाल, तो ठंडी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं सोच रहा हूँ जो सूरत हाल चल रही है ना पेट्रोल की जिस तरह महंगा हो रहा है, तो एक साइकिल लेकर रखना पड़ेगा तो जो मेरा घर में दिल्ली लगता तो फिर साइकिल में मैं साइकिल का वैसे भी मुझे शौक काफ़ी ज़्यादा है, तो वो फिर शौक भी बुरा हो जाएगा और बाहर मैं चल भी लिया करूंगा क्योंकि पेट्रोल है वो काफी ज्यादा महंगा हो रहा है और मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी अभी मैं खाने लगा हूँ कस्टर्ड, तो ये भी आया था आंटी के घर से, तो अभी मैं ये कस्टर्ड खाने लगा हूँ, तो किसी ने खाया नहीं है तो मैं खाऊंगा अभी। चमची की तरह चमची 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 अच्छा बना है, मैदा बना हुआ है, तो वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और जितना ज़्यादा मैं खा सकूँगा उतना खाऊँगा, ज़्यादा नहीं खाना, इतना ही मुझसे खाया गया तो बाकी मैं रखने लगा हूँ फ्रिज में वापस। अभी मैं जाने लगा हूँ ऊपर, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है आज, तो आज लकड़ी जला के आग सेकने का दिल कर रहा है, तो ऊपर मेरी लकड़ी बड़ी है तो वो भी लेते हैं और आग जलाते हैं। इधर लकड़ी पड़ी हुई तो बालन वगैरह जो भी कह ले के कहते हैं पर क्या कहते हैं उसे, ये निकालते हैं नीचे से, तो काफी ज्यादा नीचे दबा पड़ा है, हाँ अब निकल जाएगा। तो ये काफी ज्यादा बड़ी लकड़ी है तो पता नहीं जलानी कैसे काटनी कैसे, तो एक ये होगी और एक ये होगा छोटा सा, और इस तरह की छोटी छोटी सी और देखते हैं कहाँ पे मिलती है। हवा बहुत ज्यादा चल रही ठंडी, और तो कोई नहीं है यही है, इसे काटना पड़ेगा किसी तरीके से तो फिर काम चलेगा। तो ये इतनी मोटी लकड़ी मैं इसके साथ काटने की कोशिश कर रहा था तो ये कटी नहीं रही, तो मुझे काफी ज़रा टाइम लग गया, तो इतना सा कट सका सिर्फ, तो
तो अभी अबू जी ऊपर गए हैं तो वो देखने के लिए, अगर उन्हें कोई मिली तो वो लेके आएंगे। मुझे तो कोई नहीं नजर आई थी, मुझे तो यही नजर आई है तो मैं उठा लाया। तो हमारे पास जो कुल्हाड़ी है वो तो है नहीं, ये छोटी चाड़ी थी तो इसके साथ काटने की कोशिश कर रहा हूँ तो कटी नहीं गई, तो इतनी मोटी है। मैं सोच रहा था ये उतार लूं, ये उतार लूं और ये उतार लूं, लेकिन ये मिशन फेल है। मैं तो ऊपर गया था तो मुझे तो ये मिला था, तो अबू जी गए हैं तो अबू जी इतनी ज्यादा लकड़ी लेके आ गए तो पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आ गए। तो ये दो बाजू हैं चेयर्स के, इस तरह सारी लकड़ी इकट्ठी करके पता नहीं कहाँ से मिली है ये। अभी आग जलाते हैं यहाँ पे, ये भी किसी चेयर का लग रहा है मुझे, इसे तोड़ना पड़ना। तो ये मैंने लादा लादा कर लिए, तो ये भी टूट गया, ये भी यहाँ पे रखते हैं। अभी जलाते हैं आग, तो ये जो लकड़ी है तो ये फिर कभी जला लेंगे, अगर आज जरूरत पड़ी आज लेंगे नहीं तो फिर कभी। तो इन्हें साइड पे कर लेते हैं, तो वो तो कटाई नहीं। लकड़ी जो है अभी थोड़ी सी गीली लग रही है, तो अभी आग लग चुकी है तो देखते हैं कि अभी आग भड़कती है कि नहीं भड़कती। तो ये आपको नजर आ रही होगी अभी आग निकलती हुई नीचे से, यहाँ से धुआं जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि नीचे नीचे से आग लग चुकी है, तो यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा तो नीचे नीचे से जो आग है वो लग गई है। अभी से लगने देते हैं क्योंकि लकड़ी थोड़ी सी गीली लग रही है, छत पे पड़ी थी तो ये भी धुआं भी करेगी। तो जैसे इसका कोयला बन जाएगा तो फिर इसे ले जाएंगे अंदर, तो अंदर कमरे में रख लेंगे। तो अभी आग को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया क्योंकि वहां पे जो पत्थर है वो खराब होने का खतरा था, तो इसलिए चेयर पे रख दिया। अभी आग जो है वो लग रही है, तो लकड़ियां गीली है अभी तो तकरीबन लग गई है, आग लग गई है तो जो जितनी भी लकड़ियां थी छोटी मोटी वो सारी रख दी है, अब सारी जलाएंगे। अभी आग जो है वो काफी ज्यादा जल चुकी है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा आग है, वो अभी भड़क उठी है। तो अभी ये वाली लकड़ी है तो ये जली नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये आधी जले तो मैं उतार दूं, बाकी ये रख लूं और आधी को हम कोयला वगैरह बना ले। तो अभी काफी ज्यादा जो आग है वो भड़क उठी है। अभी मैं भी यहाँ पे खड़ा आग सेक रहा हूँ और दादी अम्मा भी बैठी है, तो वो भी आग सेक रही है अभी बैठे। तो अभी ये आग जो है वो कोयला बन जाएगा, फिर इसे अंदर लेके चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे खड़े होके आग की निगरानी भी करते हैं और सेकते भी हैं। तो आप सोच रहे होगे कि इतना ही मेहनत जो की है तो हीटर जला लेते, तो हीटर तो है पर गैस नहीं आती। तो शहर में अभी गैस का वो ज्यादा सूरत हाल बनी हुई है, तो गैस आती नहीं है। वो गिर गई बच गए। तो ये लकड़ी है वो गिर गई, नहीं हाथ ना लगाओ, हाथ ना लगाओ। तो ये लकड़ी है वो गिर गई तो बचत हो गई, कपड़े में आग लगी तो अभी मैं ठीक कर लूं इसे। तो ये इतनी ज्यादा जल चुकी थी लेकिन ये गिर गई है, तो अभी इसे उठा के साइड पे रख देते कि किसी का नुकसान ना हो जाए कोई। तो ये वहां पे रखे, अभी ठंडा कर देते इसे।
आग से एक ने कहा ना, एक नुकसान होता है तो वो नुकसान है कि धुआं जो है वो काफी ज्यादा आंखों पे जाता है और आंखों से पानी जो शुरू हो जाता है, तो बस यही नुकसान होता है। अभी धुआं कर क्योंकि लकड़ी अभी गीली है तो अभी धुआं भी आ रहा है, तो बात भी नहीं हो रही, तो लकड़ी गीली है तो जिसकी वजह से धुआं आ रहा है। अभी इसका जब कोयला बन जाएगा तो फिर धुआं खत्म हो जाएगा, तो फिर जो आग अंदर ले जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अंदर बैठ के सेकेंगे तो अंदर भी गर्म हो जाएगा, तो अभी धुआं काफी ज्यादा दे रही है। अभी इसके कोयले हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये वाली लकड़ी है दोबारा से रख दी है, तो दोबारा से कोशिश करेंगे इसे अलहदा करेंगे, तो अब इस तरह रखेंगे गिरे ना, तो ये बाकी तो कोयले बनना स्टार्ट हो गए हैं, तकरीबन सारी लकड़ी जल चुकी है। अभी आग का मुकम्मल जो है कोयला बन गया है, तो अभी हम आग अंदर लेके आ गए हैं कमरे में, तो यहाँ पे बैठ के तो कमरा भी हमारा गर्म हो जाएगा। नीचे अभी आग चल रही है तो मैं आ गया अभी रूम में, तो अभी मैं अपना जो व्लॉग है वो अपलोड करने लगा हूँ, तो अभी इसे अपलोडिंग पे लगा के मैं दोबारा नीचे चला जाऊंगा और दोबारा जाके फिर आग सेकते व्लॉग जो है मेरा वो अपलोडिंग पे लग गया है, तो अभी यहाँ पे बैठ के मैं अभी कंप्यूटर वगैरह यूज़ करूँगा। तो अगर आप आज वाला जो वीडियो है वो भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।